हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक और हेयर पैक बताने वाली हूँ जो कि है एलोवेरा का। एलोवेरा से हमारे बाल काफी सॉफ्ट होते हैं, सिल्की होते हैं। साथ ही एलोवेरा नए बाल उगाने में काफी ज्यादा अच्छा होता है। किसी को प्रॉब्लम होती है कि हमारे बाल कभी बढ़ नहीं पाते हैं, तो वो लोग एलोवेरा को ट्राई करें, उनको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले हमको लेना है एलोवेरा, तो ये सबसे अच्छा कंडीशनर होता है। इससे हमारे बाल सॉफ्ट भी होते हैं। तो आप ना अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग एलोवेरा ले लें। उसके बाद हमें इसको ऐसे पील कर लेना है, इसका जो जेल है वो निकाल लेना है। और सबसे मेन चीज़, आप ना इसका जो येलो पार्ट होता है ना, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो पहले एलोवेरा को प्लांट से काट ले, उसके बाद थोड़ी देर ना उसको ऐसे ही रख दे, तो जो येलो येलो जेल होगा ना, वो अपने आप निकल जाएगा। उसके बाद जैसे मैं इसमें से जेल निकाल रही हूँ ना, वैसे आप, या आपको और कोई ट्रिक पता हो तो वैसे करके सारा जेल एक निकालें, मिक्सी के जार में ही निकालें। हमें इसे ब्लेंड करना होता है। जेल सारा निकालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून ऑफ दही। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हनी। और अब इसे हम अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम अपने बालों के सारे टेंगल रिमूव करेंगे ताकि हमें हेयर फॉल ना हो। और उस हमने इसके अंदर दही मिलाया है, तो आप लोग को पता होगा कि दही हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। दही में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे हमारे बालों की कई सारी प्रॉब्लम ख़त्म होती है, जैसे सबसे पहले डैंड्रफ, और बालों में बहुत सारी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स होती है, तो दही उसको दूर करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद इसमें ऐड किया है हनी। तो हनी तो ऐसे कि आप कोई भी हेयर पैक अप्लाई करें या फिर फेस पैक पर, तो आप हनी उसमें ज़रूर ऐड करें। और अगर आपको हनी से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो वो मेरे चैनल पे पहले से मैंने डाली हुई है, तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि हनी किन किन चीज़ों में अच्छा होता है। और आपको ये पैक को 30 मिनट तक लगा के रखना है, उसके बाद नॉर्मल पानी से हेयर वॉश कर लेना है।